अखिलेश यादव अपने नेताओं को जरा संभालिए। भरे मंच पर सीनाजोरी कर सकती है खेल खराब। आपसी तनातनी से जा रहा है आवाम में गलत संदेश। बीजेपी को भी आपके ही नेता तनातनी से दे रहे हैं मुद्दा। मंच पर ही भिड़ गए पूर्व एमएलसी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सपा नेताओं की आपसी नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। देखिए वायरल वीडियो देख क्या बोले बीजेपी नेता। देखिए आखिर किस मुद्दे पर हुई थी दोनों नेताओं में बहस। अखिलेश यादव हर हाल में सत्ता में आने के लिए जहां पसीना बहा रहे हैं, वहीं उनके ही कार्यकर्ता और नेता सारी मेहनत पर पानी फेरने के साथ ही सपा के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे जब उनके ही नेता उनकी सभ्यता को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी के नेता ही आपस में लड़ने झगड़ने और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हरदोई में समाजवादी पार्टी के बूथ सम्मेलन के दौरान मंच पर बैठने को लेकर पूर्व सपा एमएलसी अवध कुमार सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आरपी यादव आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और नाराज पूर्व एमएलसी कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सपा नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस मामले में सपा जिला अध्यक्ष ने गलतफहमी के चलते विवाद होने और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर गुटबाजी खत्म करने का दावा किया। हरदोई में कस्बा संडीला में समाजवादी पार्टी के बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था। कस्बे के सुब्बा बाग में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आरपी यादव के आवास पर आयोजित बूथ सम्मेलन में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की थी। जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होना था। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे पूर्व एमएलसी अवध कुमार सिंह बागी और विधानसभा अध्यक्ष आरपी यादव के बीच मंच पर अग्रिम पंक्ति में बैठने को लेकर विवाद हो गया। दोनों नेताओं के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इस दौरान पूर्व एमएलसी अवध कुमार सिंह बागी नाखुश दिखे और विधानसभा अध्यक्ष के साथ विवाद होने के बाद नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हुए विवाद और तीखी नोकझोंक का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने सफाई दी है कि गलतफहमी के चलते विवाद की स्थिति बनी थी। दोनों नेताओं को समझा बुझाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है। पार्टी में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। वहीं बीजेपी नेताओं ने मामले पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा में टिकट की चाहत में गुटबाजी का खेल जमकर चल रहा है और ये गुटबाजी ही सपा को ले डूबेगी। बीजेपी की इस बात में दबी जुबान में सपा के भी तमाम नेता और कार्यकर्ता हां में हां मिला रहे हैं। सपा नेताओं का दबी जुबान में कहना है कि पार्टी के लिए ये गुटबाजी करने वाले ही घातक साबित होंगे अगर वक्त रहते इनके खिलाफ एक्शन न लिया गया तो। ऐसे में अब मामले पर अखिलेश यादव को वक्त रहते कोई बड़ा कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।